is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. पूरी कहानी क्या है? तो आपने जैसे कहा एक हिंदी फिल्म से शुरुआत की, वो छोटी मोटी फिल्म नहीं थी, उसमें अमिताभ बच्चन सर थे और फिल्म का नाम था एक रिश्ता। उसमें मैंने लॉन्च मेरा डेब्यू हुआ था, आई वॉज जस्ट 19 एट दैट टाइम। और उतनी ही बड़ी जैसे उसमें अमिताभ बच्चन जी थे, इसमें मराठी और हमारे मराठी हमारी मातृभूमि के जो सुपरस्टार है मानसी नाइक, वो इस गाने में है, तो उतना ही मजा है और कमबैक है। अब रही बात गाने की, तो गाना प्यार के अलग पहलू होते हैं, हमारा परसेप्शन एक पेश करने का अलग है इस गाने में, पर प्यार की बात है, रोमांस की बात है, वैलेंटाइन की भी बात है, बट एक हमारा एक नजरिया है वो हमने इसमें, अब थोड़ी देर में प्रीमियर होने वाला है तो सुनेंगे। अब हम बुलाते हैं मराठी की सुपरस्टार और एक्सप्रेशन क्वीन मानसी नाइक जी को। मानसी जी, आप हिंदी सॉन्ग में ये पहली बार आपको यहाँ देखने को मिलने वाला है, हमारे दर्शक जो है आपको देखने वाले हैं इस सॉन्ग में, तो क्या उत्सुकता थी इस सॉन्ग में आने की और इस सॉन्ग की कहानी क्या है? सबसे पहली चीज, सर्वप्रथम मराठी दबण बोलतो गणपती बाप्पा। मैं बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि एक तो मेरा सॉन्ग रिलीज हो रहा है, और जब कभी भी मेरा कोई भी सॉन्ग रिलीज हुआ है, एक अलग ही मेरी अलग ही सुबह होती है मेरी। आज की सुबह भी बहुत अलग थी। पहली रात मैं अपनी माँ से बात करती हूँ कि मुझे पता नहीं कल क्या होने वाला है, मेरा एक प्रोजेक्ट रिलीज होने वाला है, वो भी ऑडियंस के पास जाएगा, और अभी ऑडियंस इज द मदर एंड द फादर ऑफ दैट प्रोजेक्ट। सो आज भी मतलब मैं हमेशा मेरे हर इंटरव्यू में यही बोलती आई हूँ कि मेरी जो एग्जिस्टेंस है उसका रीजन एक ही है, वो है मेरी ऑडियंस। मैंने मेरे ऑडियंस को बहुत कुछ दिया है, पर उससे भी डबल मैंने ऑडियंस से बहुत कुछ पाया है। तो आज मैं ये सॉन्ग आपके पास लेके आ रही हूँ, और आई होप कि ये गाना आपको अच्छा लगे। भाषा तो हिंदी है, लेकिन इमोशंस होते हैं, इमोशंस की कोई भाषा नहीं है। और रही गाने की बात, तो एक नाम है, आज येलो कलर पहन के आई हूँ, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद वैलेंटाइंस डे, इसलिए क्योंकि एक दोस्त ने एक दोस्त के साथ गाना बनाया है, वो है जो आप अभी कुछ देर में देखेंगे। और ये ऐसा है कि दो मेहनती दोस्त जैसे ही मेहनत करते हैं, और ये हमारा जो डिस्कशन था ये गाने को लेके, वो बहुत महीनों पहले से था, वो आज पर्दे पे आया है, वो मेहनत आपके सामने आएगी। इसके बाद इसके जो इसमें जो जो टेक्नीशियंस जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी बहुत मेहनत की है। एवरी एचओडी, एवरी कॉर्नर हैज प्लेड इट्स ओन रोल टू इट्स बेस्ट। और मैं बहुत कनेक्टेड हूँ इस सॉन्ग से, और आई होप एक अलग मानसी आपके पास आएगी, और ये आप उसी तरह से उसकी स्वागत करोगे, उसे उतना ही प्यार दोगे जितना आज तक आप देते आए हैं। थैंक यू वेरी मच। और आपके साथ डेब्यू कर रहे हैं सूरज सरकार जी, सो प्लीज सूरज जी। सूरज जी, सबसे पहले आप मीडिया को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, और हम चाहते हैं कि आप अपने बारे में जो भी काम किया है वो आप बता दीजिए। डेफिनेटली, तो मेरा नाम सूरज सुरकर है, मैं एक्चुअली नागपुर से हूँ, और मैं काफ़ी टाइम से मतलब अप एंड डाउन कर रहा था, और मुझे फर्स्ट टाइम सो मेरा नाम सूरज है और मैं नागपुर से हूँ, और मैं काफ़ी टाइम से मतलब एक अच्छी डेब्यू के लिए तलाश कर रहा था, एंड
आई मेट विद माय डायरेक्टर मिस्टर रवि शर्मा जी और उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि हमारी इंडस्ट्री की सबसे बेस्ट सुपरस्टार एक्ट्रेस के साथ काम करने की मुझे उनकी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, सबको पता है कौन है वो, तो बस यही है। थैंक यू। पर इनका रवि भी तो डबल आए क्योंकि ये डबल काम यहाँ पे डबल जॉब कर रहे हैं। He's not just the director, he's also the lyricist of the song. Of the song, yes. Wow. और okay. So हमारे साथ है डायरेक्टर प्लस the lyricist of the song दिल टूटा है तो क्या? तो रवि जी विद डबल आई, बताइए इस सॉन्ग को डायरेक्ट करने में कितना मजा आया? एक्चुअली क्या ये 3-4 साल की मेहनत है। मैं स्वरूप भाई पिछले 6-7 साल से दोस्त है। ही हैज सीन मैं जब असिस्टेंट था, ही वाज डूइंग गुड। एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू हम लोग मिले, थिंग हैपेंड देन हैपेंड देन हैपेंड एंड फाइनली वी आर हियर टुडे। 5 साल की दोस्ती। ओके, तो अब हम मिलते हैं इस प्रोजेक्ट की जो करता करता प्रोजेक्ट हेड है श्रुति जी से। श्रुति जी प्लीज। सृष्टि जी वेलकम। और 2 मिनट बचे तो स्वरूप जी हम पहले चाहते हैं कि मानसी जी से हम वो गजल सुने जो नहीं जो स्टार्टिंग लाइन है वो सुने, शायरी सुने उसके बाद। ओके, सो हमारी तरफ से आपको एक ही विनती है कि भाई कुछ लोग तो ट्रोलर्स होते ही हैं, वो तो अनइनवाइटेड हैं, बट फिर भी आप आइएगा, आप ही से एक्चुअली व्यूअरशिप बढ़ती है। बट इसका इस गाने का एक ही रीजन है कि हम एक बहुत पॉजिटिव नोट पे इस गाने को एंड किया है। एक बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है जो लास्ट में जाता है कि एवरीथिंग हैज अ ब्यूटीफुल एंड एंड एवरीथिंग मूव्स ऑन, यू हैव टू होल्ड ऑन नो मैटर व्हाट हैपेंस, यू आर नॉट सपोज टू गिव अप। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हमने इस गाने में दिखाए हैं एंड आई होप ये आपको अच्छी लगे। हम सब ने बहुत मन से मेहनत की है और बस अभी 1.5 मिनट के बाद आपको समझ 60 seconds so I think हम सेटल हो जाएंगे एंड नाउ द लेबल नाउ द सॉन्ग इज गॉन टू अ करता धरता चेतन CGP। सो प्लीज लेट मी इंट्रोड्यूस CGP चेतन करोड़ प्रोडक्शन हाउस। हाय चेतन, वेलकम अगेन। आणि चेतन आणि मी भरपूर काम केलेली आहेत या अगोदर सुद्धा आणि हे पुन्हा एकदा अनदर फेदर इन द कॅप। सो टिल देन एन्जॉय द काउंटडाउन, एकत्र करूयात चला। सर बहुत बहुत बधाई, पहले तो बहुत अच्छा गाना है। क्या क्या कॉन्सेप्ट था, क्या आइडिया था इसके? थैंक यू। आपको अच्छा लगा गाना? गाने का कॉन्सेप्ट, गाने का कंपोजिशन और लिरिक्स से शुरुआत हुई, उसके बाद में मानसी और हमारा काफ़ी डिस्कशन हुआ और एक थॉट प्रोसेस था जो आई थिंक इट शुड कम फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। मानसी जी आप बताइए कैसे क्या? He just swiped that question to me. नहीं, it's actually a teamwork. Yes. और टीमवर्क होता है तभी ऐसे गाने बनते हैं, तभी ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं ऑडियंस के सामने। एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि लाइक मैं और स्वरूप हम दोनों ने काम पहले किया तो है, बट ये जो कोर टीम बनी है ना, ये और ज़्यादा काम करेगी जिंदगी में। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, मेरा तो ये पहला ही मतलब था नाइन के साथ में काम कर रहा हूँ और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है मुझे। मैं बहुत ज़्यादा खुश था पहले ही क्योंकि मुझे पता नहीं मैं किस तरह करूँगा काम इतने बड़े स्टार्स के साथ, बट उन्होंने मुझे बहुत ही मतलब रिलैक्स फील कराया, एकदम कम्फर्टेबल कराया हर वो सीन में। एंड आई जस्ट लव इट, आई मीन जस्ट लव द वे आई मीन शी ट्रीटेड मी। क्या शूट का एक्सपीरियंस रहा, कहाँ पे शूट किया, बहुत सारे इमोशंस भी हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये वैलेंटाइंस डे तो खैर एक बहाना मिल गया हमें, बट हमें ये गाना शूट करना ही था, ये बाहर लाना ही था, बिकॉज इसके पीछे एक बहुत अच्छी कहानी जुड़ी हुई है। जो कहानी आपने देखी पर्दे पे, बहुत इमोशनली इन्वॉल्व है, थोड़ा लिबर्टी लेके एक अलग ही कहानी हमने दर्शकों के लिए लाई है। और उसके लिए डेफिनेटली आई वुड लाइक टू क्रेडिट स्वरूप, बिकॉज इन चीज़ों में ही ट्रस्टेड मी, क्योंकि ये कहानी मेरे दिमाग में पहले से थी और इसका विजनरी जो था वो रवि जी के पास था। तो विजन के लिए मैं थैंक यू रवि को कहना चाहूँगी क्योंकि ही ट्रस्टेड मी विद द विजन ऑल्सो। और बहुत अच्छा लगा, थोड़ी अलग कहानी है और
ये कहानी का, लेकिन ये एक ही मुद्दा है जो एंड में आता है, वो एक बहुत स्वीट सा मैसेज है कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है और कभी हार नहीं माननी चाहिए, नेवर गिव अप ऑन थिंग्स। और आजकल हम इतना सब कुछ सुन रहे हैं, थोड़ा नेगेटिव आजू बाजू में चालू है, तो हम चाहते थे कि कहीं हम एक स्वीट सी छोटी सी स्टोरी, लव स्टोरी दिखाए लेकिन एंड पॉजिटिव हो, क्योंकि दर्शकों को जब कोई अगर थिएटर में भी आप जाते हो पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक लेके, तो कोई दिमाग के साथ एकदम हैवी लेके कोई बाहर आएगा तो कैसे लगेगा। तो वैसे हम गाना भी उसी तरीके से बनाना चाहते थे कि एंड भी अच्छा हो और पॉजिटिव नोट पे एंड हो, एंड आई थिंक इट्स ऑल टीम वर्क। लास्ट में है शॉट इज रेडी, उसके बारे में क्या कहोगे आप? फिल्मी स्टाइल में आप, ये रियल लाइफ है, ये रियल लाइफ है। वही जो बात थी कि एंड में लाइफ में एक जो कहानी है कि जो भी एक्सपीरियंसेस आए, पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, वो सबको ओवरकम करके आपको आगे बढ़ना है लाइफ में, और जो होता है अच्छे के लिए होता है, वो सोच के पूरी कन्विक्शन से, पूरी एनर्जी से उन्होंने वो जो एक इमोशन थी, एक 5 सेकंड पहले जो इमोशन थी दुख से भरी हुई, उसको एकदम से स्विच ओवर करके शॉट रेडी है बोला, तो शी वो बोलते एक मूव ऑन, लेट्स मूव ऑन इन लाइफ, और पॉजिटिव अप्रोच के साथ ये दर्शाया गया है उस सीन के द्वारा। आप कहते हैं कितना चैलेंजिंग था? सी, लाइफ इज अबाउट टू मूव ऑन, है ना, और हम लोग का प्लस पॉइंट क्या था कि मानसिक स्टार्टिंग से सेम पेज पे थे, तो और हर चीज में हम लोग डिस्कस करते थे, बिकॉज काफ़ी मानसिक के सपोर्ट से कुछ चीज़ें जो उन्होंने हमें बताया कि ऐसा सिनेमा में दिखा, तो हम लोग ने पूरा कोशिश किया कि जैसा उन्होंने बोला वैसा दिखाए, ताकि एक मैसेज समाज में जाए कि चलो लाइफ में जो भी हुआ है ना, वो एक टाइम के बाद भी हम तो मूव ऑन है ना, तो कहीं कहीं कुछ पर्सनल चीज़ें हम लोग ने जो सही है एंड जो एक मैसेज समाज को दे कि चलो लाइफ इज अबाउट मूव ऑन, वही सोच के वी मेड दिस। मानसी, उम्मीद पे दुनिया कायम है ऐसे कहते हैं, और प्यार पे दुनिया टिकी है, तो कितनी रिलेट कर पाती है आप ये म्यूजिक वीडियो और अपने खुद से जो देख रहे हैं? सही बोलते हैं, जिन्होंने भी ये बोला ये बिल्कुल सही है, क्योंकि प्यार की परिभाषा हर एक के लिए अलग होती है। मेरे लिए प्यार की परिभाषा, मेरे लिए मेरे माँ बाप का प्यार है, मेरे ऑडियंस का प्यार है, मेरे प्रोजेक्ट्स का प्यार है, और अनफॉर्चुनेटली आजकल की दुनिया सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला प्यार जानती है, तो वो वैसी बात है नहीं। प्यार की परिभाषा हर एक के लिए अलग होती है और वो होनी भी चाहिए। इससे क्या होता है कि ज़िंदगी, आप ज़िंदगी, एक तो ज़िंदगी बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है, तो अगर आपको कम बैगेजेस में चलना हो तो प्यार की परिभाषाएं अलग अलग रखो। दैट इज व्हाट आई फील पर्सनली। सरोज जी, आप क्या कहना चाहोगे इसमें? कुछ शायरी जैसा भी आपने पढ़ा है? हाँ, इन्होंने पढ़ा है, पर प्यार की परिभाषा पे मैं एक किशोर दा का बड़ा मास्टरपीस गाना है कि हम है राही प्यार के, हमसे कुछ ना बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, तो वही बात है, और वही हमें करना है कि अनकंडीशनल लव देना है, समाज को हैप्पीनेस देना है, और जितना हम हैप्पीनेस देंगे, जितने हम खुशियां बांटेंगे, उतनी खुशियां हमें मिलती है, तो यही वैलेंटाइन डे में इससे बड़ा एक बात क्या हो सकती है। रही बात शायरी की जो है, तो वो तो मुझे इतनी उसका इफेक्ट है कि टीज़र आज कल आउट हुआ है और मोर देन अराउंड 1 लाख व्यूज़ उस टीज़र के हैं, और वो शायरी का रोल उस टीज़र में बड़ा अहम है, तो वो शायरी भी मेरी एक, वो बहुत एक अच्छी बात है कि पुराने गानों में आपको शायरी देखने मिलती थी, सुनाई देती थी, अब वो वापस से, यू नो, वो दौर वापस से आ गया है कि आप शायरी ला सकते हो, यू नो, गानों में, और वो एक अलग ही अंदाज हो जाता है गाने का, अलग ही रंग हो जाता है। तो मैं तो बहुत लकी हूँ कि मेरे गाने में शायरी है और वो मुझे और आपकी आवाज़ में और मेरी आवाज़ में, तो आई एम वेरी लकी। इस एल्बम के जरिए आप हिंदी में एंट्री कर रहे, ऐसे कहाँ जा रहे हैं, तो आप वो सीरियस हिंदी में ही अभी करना है, तो मराठी फिल्मों का क्या होगा यहाँ पर? तो आपको आपके चाहने वाले की बड़ी लंबी लगी। एक्चुअली मैं हिंदी OTT पे पहला डेब्यू कर रही हूँ, ये मेरा सेकेंड प्रोजेक्ट है, उसका नाम सिफर है, उसका ऑलरेडी पोस्टर आउट है, वो आपको मेरे सोशलिस्ट पे मिलेगा। और रही बात बड़े पर्दे की, तो भाषा है,
वो अलग होंगी, और मैं ये नहीं चाहती कि मैं किसी एक भाषा में काम करूं, मैं हर एक भाषा में काम करना पसंद करूंगी, वो साउथ हो। आजकल साउथ के इतने आर्टिस्ट हमारे इंडियन सिनेमा में काम कर रहे हैं, तो क्यों ना मराठी मुलगी आगे जाए। मैं मराठी मुलगी हूँ हक से, तो अगर मेरे यू नो मेरे इतने इंस्पिरेशन रहे हैं और मैं बचपन से उन्हें देखते देखते बड़ी होती यू नो होते होते मैंने यही सोचा था कि एक मराठी मुलीला पुढ़े जायलाच पाहिजे। कारण स्मिता पाटील म्हणा किंवा माधुरी दीक्षित म्हणा, ह्या पंढर पुढे गेल्या ना, मग मानसी नाईक का नाही? त्यामुळे आता सुरुवात झालेली आहे। और वो जो आपने लास्ट शॉट देखा ना की मानसी शॉट इज रेडी, वो रिअल लाईफ में मेरा वैसा ही है। ये गाना हमने मुंबई में शूट किया है ज़्यादातर, और एक घर की कहानी है, घर में जो वाकिए हुए है उसको दिखाया हुआ है। तो हमने उसको शूट किया है मलाड में, और ये बड़ी खुशनसीबी की बात है कि ये मेरा घर है, ये जो यहाँ दिख रहा है एक्चुअली माय हाउस। और कुछ ही दिनों में वो बंगला जो है जहाँ पे शूट हुआ है वहाँ पे, मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ पर बिल्डिंग बनने वाली है, तो वो बिल्डिंग की बाद में ये जो इमोशंस है और ये जो वेन्यू है और ये जो जगह की जो यादें हैं वो नहीं रहने वाले। तो ये बिकॉज ऑफ दिस सॉन्ग ये मेमोरी एक छप गई है ज़िंदगी भर के लिए। तो मेरी जो वास्तु है और उसकी जो एक हमारे वो हमको ज़िंदगी भर तक हम उसे देख पाएंगे इस गाने के पार्ट टू। क्या कहना चाहोगे जिनका दिल टूटा है उसके बारे में, क्या कहोगे? किनका दिल टूटा है? नहीं नहीं, मैं चाहती हूँ कि किसी का भी दिल ना टूटे, क्योंकि आजकल तोड़ने वाले बहुत ज़्यादा है लेकिन जोड़ने वालों में से हम हैं। और मैं चाहती हूँ कि लाइफ, जैसे मैंने पहले भी कहा कि लाइफ बहुत बड़ी है, वो कैसी जीनी है ये आपके हाथ में है, और अगर आप चाहो तो उसमें रंग भर दो या तो बेरंग कर दो, तो कौन सा रंग भरना ये आपके हाथ में है। फिलहाल मैं प्यार का रंग भर रही हूँ। मुझे बहुत बहुत अच्छा एक गाना याद आया रंग भरने के बारे में, और ये एक्चुअली आज का 2023 का जितने यंगस्टर्स हैं उनको फॉलो स्टेटस होना चाहिए कि रंग ये दुनिया बदलती है, बदल जा प्यारे तू भी नए रंग में ढल जा प्यारे। मौसम आए मौसम जाए फिर खिल जाए कलियां, मौसम आए मौसम जाए फिर खिल जाए कलियां।